करना है जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। वो कोई और ही दास्तान सुना रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आप मौजूदा हालात में अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे तो जो बरसों से हमारा इस्तेसाल चल रहा है वो जारी और सारी रहेगा। अगर MIM पार्टी जीतती है तो यहां पर भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, गरीबों और मजलूमों को एक आवाज मिलेगी, क्योंकि आपने समाजवादी को कभी वोट दिया, कभी बसपा को वोट दिया, कभी RLD को वोट दिया। आप सिर्फ वोट देते हैं मगर आपकी आवाज कोई नहीं उठाता, कोई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखिए, फैसला तो आपका है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे दें, मगर अगर आप इस बार भी इस डर में आ जाएंगे कि नहीं नहीं ये अरशद राणा जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरे भाई जब जंग करना है जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। हमारा मामला यह है कि जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं, जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अरे हम हार गए तो कैसा, अरे मेरे भाई मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बुरा मत मानिए, 70 साल से वो फलस्तीनी गाजा और मगरबी किनारे में लड़े जा रहे, मर रहे, 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, मगर उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे बल्कि मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि इसराइल एक जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गाजा में नस्ल कशी कर रहा है। मगर एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा था कि यहां पर अंसारी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है, उनका कारोबार पूरा का पूरा ठप होकर रह गया, कोई नहीं पूछता। आप देखते जाइए बीजेपी क्या कर रही है, जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने हाथ और खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी गुजारते उनकी कारोबार को उनके बिजनेस को खत्म कर दिया जा रहा है, मगर कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं, कोई लड़ने वाला ही नहीं। चुनाव आ गया तो सब आ जाते हैं कि भैया को जिताओ, दरी बिछाओ, अपनी जवानी को कुर्बान करो, उसके बाद हम ही मरते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाई आप सुनिए, हाँ जिंदा है, आप भी जिंदा है, हम भी जिंदा है, हम और आप जब तक जिंदा है उस वक्त तक कयामत नहीं आने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह।